हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है और मैं सीएलसी में फिजिक्स फैकल्टी हूँ। हम लोग जेईई मेन 2020 में 7 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल कुछ इस तरह से है, अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर कैरीज अ टाइम डिपेंडेंट करंट आई ऑफ टी, ये करंट का वेरिएशन दे रखा है। अ रिंग ऑफ रेडियस 2 आर इज प्लेस्ड कोएक्सियली नियर इट्स मिडल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 1, द इंड्यूस्ड करंट एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रिंग चेंजेस एज। तो देखते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड में एक करंट आई फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस हमने 2 आर रेडियस का एक कॉइल रख दिया है। तो जब ये करंट टाइम वेरिंग है तो इस सोलेनोइड से एक फ्लक्स चेंज होगा और इस कॉइल से भी फ्लक्स चेंज होगा। तो हमें इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में जो बातें पूछी गई है उसे डिस्कस करना है। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया हमें इस रिंग का नहीं लेना है बल्कि सोलेनोइड का लेना है। तो सोलेनोइड का एरिया ए इनटू, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि जो फ्लक्स है इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इनटू इनटू एरिया। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। गड़बड़ हो गया, जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है। तो हम लोग ये जानते हैं, देख रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, तो फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो ईएमएफ अगर हम लोग लिखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज d∅dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो d∅dt है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा di by dt के। तो EMF is proportional to, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा I naught into 1 minus 2 times of t। और induced करंट की बात करें तो ये EMF divided by resistance हो जाएगा। अब अगर ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है कि t इक्वल टू 0.5 के पे करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0.5 पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी वैल्यू 0 है, तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी 0 होगी। और ये एक लीनियर फंक्शन है और 0 हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा होगा। और 0.5 पे जो वोल्टेज है वो भी 0 है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट वायर इज 90 मीटर पर सेकेंड, और कुछ और बातें बताई गई है जैसे वायर का मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है और वायर का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, और हमें बताना है कि द एक्सटेंशन ऑफ द वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। तो हमने जो फोर्स वायर पे लगाया होगा उसके कारण कुछ वायर एलोंगेट हो गई होगी, तो कितना एलोंगेशन है ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो एक एक्सप्रेशन, तो क्योंकि हमें वायर पे स्पीड वेव का पता है तो वेव की स्पीड हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो वायर में टेंशन होगा ये वी स्क्वायर टाइम्स म्यू के बराबर होगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे हम लोग यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि ये जो यंग्स मॉडुलस होता है ये होता है फोर्स, फोर्स जो कि टेंशन के बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल के। तो ये डेल्टा एल हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। तो ये टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये अपने पास है वी स्क्वायर इनटू म्यू इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। नाउ ये वेलोसिटी की वैल्यू अपने को दे रखी है,
और ये जो म्यू है ये मास और लेंथ को डिवाइड करके ये म्यू मिल जाता है. लेंथ हमें पता है, यंग्स मॉडुलस और रेडिया ये सारी बातें पता है. इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये लेंथ की जो वैल्यू है ये 0.03 मिलीमीटर आ जाएगी. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा. तो ये तीसरा सवाल आ जाता है. एज शोन इन द फिगर अ बॉब ऑफ मास एम इज टाइड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग हुज अदर एंड पोर्शन इज वाउंड ऑन अ फ्लाई व्हील डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम. तो ऐसा है कि एक फ्लाई व्हील है जो कि डिस्क के शेप का है और इसका मास एम है, रेडियस आर है, इससे एक पार्टिकल हमने लटका दिया, इसका भी मास एम है और इसको हमने लटका के छोड़ दिया. तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जब ये पार्टिकल एच हाइट नीचे आ जाएगा तो फ्लाई व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी. तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से नीचे चल के यहाँ तक आ गया और ये जो हाइट नीचे आया है ये हाइट h के बराबर है. नाउ तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब ये पार्टिकल h हाइट नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई होगी इस सिस्टम की और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के इस पार्टिकल को मिलेगी और उसमें से कुछ हिस्सा जो है इस डिस्क को मिलेगा. तो मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पहुँच रहा है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है और इस वक्त इस सिस्टम की, इस डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है. तो बहुत सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. तो इक्वेशन ऐसा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो हो रही है मास इंटू जी इंटू हाइट और ये जो एनर्जी है ये दो हिस्सों में जाएगी, थोड़ी सी तो पार्टिकल के पास जाएगी और थोड़ी डिस्क के पास जाएगी. तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी डेट विल बी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस अगर डिस्क की काइनेटिक एनर्जी लिखें तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्सिया. मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करके हम लोग ये जान देख सकते हैं कि ये जो स्पीड की वैल्यू आ रही है ये आ रही है अंडर रूट 4gh डिवाइडेड बाय 3. इसको सॉल्व करके हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा और अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखेंगे तो ये v डिवाइडेड बाय r. तो v डिवाइडेड बाय r अपने पास आ जाएगा 1/, लेट्स से इसका जो रेडियस है वो यहाँ पर स्मॉल r दे रखा है और यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 4gh डिवाइडेड बाय 3. तो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही आंसर है. ये क्वेश्चन नंबर 4 है तो ये सिंपल सेंटर ऑफ मास का सवाल है. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ दे रखा है और उसके कॉर्नर्स पर 3 पार्टिकल रखे हैं, एक 1 kg का है, एक 1.5 kg का है और एक 2.5 kg का है. तो हमें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा. तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक कॉर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ से ये हमारा वाई एक्सिस है एंड दिस इज द ओरिजिन. तो अपने पास 3 पार्टिकल है और इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लें. तो इसका कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएगा 0, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 4. अब बहुत सिंपल हम लोग ये कर लें कि इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट के लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक्स सी एम. तो एक्स सी एम हो जाएगा m1 टाइम्स x1 प्लस m2 टाइम्स x2 प्लस m3 टाइम्स x3 डिवाइडेड बाय द टोटल मास. टोटल मास इज m1 प्लस m2 प्लस m3. तो लेट्स से ये हमारा पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है और ये पार्टिकल 3 है. तो पार्टिकल 1 और 3 की बात करें तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, सिर्फ सेकंड पार्टिकल के लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय जो टोटल मास हो जाएगा. तो टोटल मास हम लोग देख सकते हैं कि ये 5 kg के बराबर है. तो ये सॉल्व करके 0.9 cm, तो 0.9 cm इज द एक्स कोऑर्डिनेट. यहाँ से अगर हम लोग वाई सी एम लिखें तो वी कैन राइट द सिमिलर फार्मूला जिसमें हम लोग लिख लेंगे m1 y1 प्लस m2 y2. तो m1 y1 इज 0, m2 y2 इज ऑल्सो 0, m3 y3 की बात करें तो ये 2.5 × 4. तो 2.5 × 4 जो है ये 10 के बराबर है डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 5. तो ये सॉल्व करके
टू आ जाएगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट इज ये 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहां पर हम लोग. तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 0.9 सेंटीमीटर एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 2 सेंटीमीटर. तो यहां पर अगर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. तो 0.9 सेंटीमीटर जो है वो राइट साइड में और 2 सेंटीमीटर अबव, ये जो है हम लोग 0.1 केजी के जो का जो पार्टिकल है इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. फिफ्थ क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है. अ विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट प्रोड्यूसेस अ डायफ्रेक्शन पैटर्न. इट इज फाउंड दैट द सेकंड डायफ्रेक्शन मिनिमा इज एट 60 डिग्री फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, इफ द फर्स्ट मिनिमा इज प्रोड्यूस्ड एट थीटा 1 देन थीटा 1 इज क्लोज टू. नाउ तो यहां पर हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो लैम्डा बाय ए के बराबर होता है, ये फर्स्ट मिनिमा के लिए. और अगर सेकंड मिनिमा की बात करें तो ये जो थीटा है ये थीटा 1 है. अगर सेकंड मिनिमा की बात करें तो सेकंड मिनिमा का जो एंगल है ये 60 डिग्री है. तो ये साइन 60 डिग्री जो होगा ये 2 लैम्डा बाय ए के बराबर होगा. एंड साइन 60 डिग्री ये √3/2 के बराबर है. तो √3/2 इज 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए. तो यहां से लैम्डा डिवाइडेड बाय ए लिखेंगे तो ये √3/4 हो जाएगा. और ये लैम्डा बाय ए जो है ये साइन थीटा 1 है. तो यहां से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1 जो है ये √3/4 के बराबर है. तो अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो यहां से जो थीटा 1 आ जाएगा ये 20 डिग्री के आसपास या 25 डिग्री के आसपास आ जाएगा. तो ये 25 डिग्री के आसपास आ जाएगा. तो ये जो फोर्थ आंसर है ये हमारा सही है. तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे. अ लीटर ऑफ ड्राई एयर एट STP एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली टू अ वॉल्यूम 3 लीटर इफ गामा इक्वल टू 1.40 द वर्क डन बाय एयर इज. तो यहां पर हमें ये पता है कि अपने पास 1 लीटर गैस है जिसको हमने एक्सपैंड कर लिया है 3 लीटर पे और ये STP पे है. तो इनिशियल प्रेशर हमें पता है कि ये P0 के बराबर है. हमें वर्क डन बताना है. तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग पहले बात तो ये लिख सकते हैं कि P1V1⁻γ जो है ये P2V2⁻γ के बराबर होता है. तो यदि हम लोग P2 लिखेंगे तो P1 हमें पता है कि P1 P0 के बराबर है, V1 1 लीटर के बराबर है और V2 3 लीटर के बराबर है. तो यहां से P2 कितना आ गया, P2 आ जाएगा P0 ÷ 3⁻γ. और गामा हमें दे रखा है कि ये 1.40 के बराबर है. तो ये 1.40 के बराबर दे रखा है और 3.3⁻¹⁴ की वैल्यू जो है ये 4.655 है. तो ये इसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे. नाउ अब एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा P2V2 ÷ P1V1 ÷ 1 − γ. तो P1 की वैल्यू हमें, ये सारी वैल्यूज हमें पता है और इसको पुट करने के बाद जो वर्क डन की वैल्यू आएगी ये 90.5 जूल के बराबर होगी. तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विद CP/CV इक्वल टू 5/3. तो ये अपने पास 2 मोल गैस है जिसका गामा दे रखा है 5/3 है और 3 मोल एक दूसरा गैस है जिसका गामा 4/3 है. तो हमें बताना है कि यदि इन दोनों गैस को मिक्स कर लें तो गामा की वैल्यू कितनी होगी. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला है. उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है. N1 + N2 ÷ जो मिक्सचर का गामा है -1. ये बराबर हो जाएगा, लेट से जो पहला गैस है उसका N1 मोल है डिवाइडेड बाय गामा 1 माइनस 1 प्लस जो दूसरी गैस है N2 ÷ γ2 − 1. तो ये N1, N2, γ1, γ2 की वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं. तो दिस इज गामा 1, दिस इज गामा 1 एंड दिस इज गामा 2. N1 जो है वो 2 मोल दे रखा है, N2 जो है ये 3 मोल दे रखा है. इन सारी वैल्यूज को इसमें अगर हम लोग पुट करके सॉल्व कर लें तो जो मिक्सचर का गामा आएगा ये 1.42 के बराबर होगा. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. 2 इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विद अ यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी सिग्मा आर केप्ट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सोन बिटवीन देम इज गिवन बाय. तो 2 इनफाइनाइट प्लेन है और इन पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये एंगल 30 डिग्री है.
हमें बताना है कि इसके बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच का जो रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा करें, मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये प्लेट है। तो अगर नीचे वाली प्लेट के कारण देखें तो नीचे वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा एंड लेट्स से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। अगर ये जो इंक्लाइंड प्लेट है इसके कारण नीचे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ई नॉट मान लेते हैं। और अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो ये ई नॉट और ई नॉट, इनका रिजल्टेंट देख लेते हैं। लेट्स से अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में देखें तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट और ई नॉट का एक नीचे वाला कंपोनेंट आएगा ई नॉट कॉस 30 डिग्री। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हो जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो इसके साथ जे कैप लिख लें। एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये ई नॉट साइन 30 डिग्री आ जाएगा, दिया जाएगा माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई कैप। और हमें पता है कि ये जो ई नॉट है ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। यहाँ से ई नॉट कॉमन ले लें तो यहाँ से लिखेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू जे कैप माइनस 1 अपॉन 2 इंटू आई कैप। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट आंसर है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा लिखा है, इफ यू नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 150 मिलीमीटर एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 5 मिलीमीटर द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस शुड बी क्लोज टू। तो यहाँ पर हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिख लें, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय यू ऑब्जेक्टिव इनटू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफई। तो यहाँ पर अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज पुट करना चाहें तो मैग्निफिकेशन तो हमें पता है कि ये 375 के बराबर है। जो वी नॉट है, वी नॉट को हम लोग लगभग 150 मिलीमीटर मान सकते हैं। तो ये 150 और यू नॉट को हम लोग लगभग 5 मिलीमीटर मान सकते हैं प्लस 1 प्लस डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो मिलीमीटर में अगर लिखें तो ये 250 आ जाएगी डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फोकल लेंथ जो आईपीस की आती है ये लगभग 22 मिलीमीटर आ जाती है, लगभग 22 मिलीमीटर। तो ये थर्ड आंसर हमारा सही हो जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट एल बाय 4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास एक रॉड है और रॉड के सेंटर से एल बाय 4 डिस्टेंस पर इस एक्सिस के अबाउट हमें रेडियस ऑफ गायरेशन लिखना है। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया लिखें तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमारे पास है सेंटर ऑफ मास के अबाउट इज एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस, यहाँ पर अगर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो एल बाई 4 हमें शिफ्ट करना है तो ये हम लोग लिख सकते हैं एम इन टू एल डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर के बराबर वेर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 48 टाइम्स एल। तो ये फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन। अब रिवर्सिबल ऑपरेशन से हमारा क्या मतलब है, रिवर्सिबल ऑपरेशन से हमारा मतलब ये है कि अगर हम आउटपुट को देख करके इनपुट बता सकें तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कहेंगे। तो अगर हम लोग इन तीनों ऑप्शंस को देखेंगे, सेकेंड थर्ड और फोर्थ को देखेंगे तो इन सब में इन आउटपुट पे एक वैल्यू है और इनपुट पे दो वैल्यू है। तो अगर हम लोग आउटपुट देख करके यहाँ पर इनपुट बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे,
अगर हम लोग फर्स्ट में नॉट गेट को देखें तो आउटपुट पे एक वैल्यू है और इनपुट पे भी सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो फर्स्ट वन इज द आंसर। यहाँ पर हम लोग आउटपुट के देख करके इनपुट बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि अ 60 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट एन एलिवेटर हैविंग अ मैक्सिमम टोटल लोड कैपेसिटी ऑफ 2000 kg। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज 4000 newton, द स्पीड ऑफ द एलिवेटर एट फुल लोड इज क्लोज टू। तो ऐसा करते हैं, एक लिफ्ट है, लिफ्ट 2000 केजी का लोड हो सकता है, इसके ऊपर जो एम जी होगा डेट इज 20,000 kg, और लिफ्ट की वेलोसिटी यदि ऊपर की तरफ होगी तो रजिस्टिव फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, और ये जो रजिस्टिव फोर्स है ये 4000 के बराबर है। लिफ्ट के ऊपर जो टेंशन है वो हम लोग टी मान ले, रस्सी में टेंशन, तो ये जो टेंशन है ये बराबर होना चाहिए 24,000 newton के बराबर, यदि ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो। यदि लिफ्ट के पावर की बात करें तो पावर हो जाएगा लिफ्ट में टेंशन इनटू वेलोसिटी। तो पावर दे रखा है 60 हॉर्स पावर, तो 60 इनटू 746 इज इक्वल टू टेंशन जो है 24,000 इनटू, यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और ये वेलोसिटी यहाँ से निकल के आती है 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो थर्ड है ये हमारा आंसर है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक व्हिच हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट वेरीज एज के ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स 1 + α(x), वेयर एक्स इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द प्लेट। If alpha d is much much less than 1, the total capacitance of the system is best given by the expression. तो कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर का प्लेट है और यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का, एक पार्ट ले ले और इसके कैपेसिटेंस की बात करते हैं। अगर इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे dc तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय डीएक्स इनटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है के टाइम्स 1 + α(x), तो टोटल कैपेसिटेंस, तो ये सारे के सारे जो कैपेसिटर्स हैं इसको सीरीज में मान सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस अगर 1/C लिखेंगे तो 1/C इज 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए के इनटू डीएक्स डिवाइडेड बाय 1 + α(x), और इसको इंटीग्रेट कर लें 0 से लेके डी तक, तो 1 डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए के ln 1 + α(d) डिवाइडेड बाय अल्फा। यहाँ पर हम लोग ln 1 + x का एक्सपेंशन कर लेते हैं, और अपने को क्वेश्चन में बताया गया है कि अल्फा डी जो है ये 1 से बहुत बहुत छोटा है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए के इनटू अल्फा इनटू अल्फा डी माइनस अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो एक अल्फा यहां पर कैंसिल कर दें तो सी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय 1 - α(d) डिवाइडेड बाय 2। अब इस एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाकर के बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाय डी इनटू 1 + α(d) डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से अगर देखें तो थर्ड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कंसीडर सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कैरिंग अ करंट आई फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डायपोल
the magnetic flux through the infinite plane that contains a circular coil, and excluding the circular coil area is given by phi I. The magnetic field through the area of the circular coil is given by phi naught. Which of the following option is correct? Now, simple si baat agar karein, to ye agar hamare paas coil hai, aur agar magnetic field lines ko dekhein, to ek magnetic field lines jo hai, ye coil mein kuch is tarah se hai. To yahan par hum log ye dekh sakte hain ki jitni bhi lines magnetic field coil ke andar se jayegi, ye sare ki sari lines jo inko bahar se bhi jana padega. तो जो फ्लक्स कॉइल के अंदर से होगा उतना ही फ्लक्स मैग्नीट्यूड में जो है वो कॉइल के बाहर से भी होगा. लेकिन अगर अंदर और बाहर में अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो लेट से अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो बाहर जो है वो फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. तो ये दोनों फ्लक्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है. तो आंसर जो है यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे. If the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by B equal to 3 into 10 to the power minus 8 into sine, तो ये expression दे रखा है. Then what will be the expression for the electric field? तो electric field और magnetic field में अगर relation देखें, तो let's say अगर E naught electric field का amplitude है, तो ये होता है C times magnetic field का amplitude. तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 into जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है डेट इज 3 × 10⁻⁸. तो इसको सॉल्व करके 9 आ जाता है. अगर ऑप्शंस को देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नेट्यूड है वो 9 है. तो फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाता है. अ पोलराइजर एनालाइजर सेट इज एडजस्ट सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज जस्ट 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी. Assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light, the angle by which the analyzer need to be rotated further to reduce the intensity to be zero is. तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक polarizer और analyzer का set है. तो ये इसका axis और इसका जो axis है ये theta angle पर है. Let's say यहां पर अगर intensity I naught होगी तो यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 होगी और यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगी. हमें यह पता है कि ये वाली जो इंटेंसिटी है ये ओरिजिनल इंटेंसिटी का सिर्फ 10% है. इसका मतलब दिस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय 10. तो सॉल्व करके हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉस थीटा जो है ये 1/√5 के बराबर आ गया. Now, अभी 1/√5 की वैल्यू तो हम लोग निकाल सीधा सीधा नहीं निकाल पाएंगे लेकिन अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज डेफिनेटली लेस देन 1/√2. तो जो थीटा है इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 45 डिग्री. तो अभी इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 45 डिग्री है. अब अगर लास्ट लाइन को पढ़ते हैं कि आपको इसको कितना रोटेट करना है ताकि इंटेंसिटी जीरो हो जाए. इंटेंसिटी जीरो होने के लिए यदि अभी थीटा एंगल है तो आपको 90 माइनस थीटा रोटेट करना पड़ेगा. यदि थीटा 45 डिग्री से बड़ा है तो 90 माइनस थीटा इज डेफिनेटली लेस देन 45 डिग्री और 45 डिग्री से छोटा सिर्फ एक ही ऑप्शन है. तो सेकेंड आंसर हमारा सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 हम सॉल्व करते हैं. A satellite of mass m is launched vertically upward with initial speed u from the surface of Earth. After reaches height r, it ejects a rocket of mass m/10 so that subsequently the satellite moves in the circular orbit. The kinetic energy of the rocket is. तो इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है. तो हमारे पास अर्थ है और अर्थ का रेडियस जो है वो कैपिटल r है और यहाँ से हमने स्मॉल m मास का एक सैटेलाइट u वेलोसिटी से लॉन्च किया और जब ये r डिस्टेंस और आगे चला गया तो मान लेते हैं कि सैटेलाइट की स्पीड भी हो गई है. अब हमें इस सैटेलाइट से एक रॉकेट लॉन्च करना है और इस सैटेलाइट को एक सर्कुलर ऑर्बिट में शिफ्ट करना है. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक रॉकेट लॉन्च करेंगे और रॉकेट लॉन्च करने के बाद जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए क्योंकि रेडियस 2r है. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये √gm/2r के बराबर है और जो रॉकेट लॉन्च किया है रॉकेट का मास m/10 है तो सैटेलाइट का जो रिमेनिंग मास बचता है वो 9m/10 के बराबर है. रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो लेट्स से vr है और इस vr का दो कंपोनेंट ले लेते हैं.
एक जो है अर्थ के रेडियल डायरेक्शन में और एक जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में. रेडियल वेलोसिटी को मैं vx मान रहा हूँ और टेंजेंशियल वेलोसिटी को vr, vy मान रहा हूँ. तो सबसे पहले हम लोग सैटेलाइट की वेलोसिटी v फाइंड आउट करना चाहेंगे. तो v फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं. तो लेट से कि सरफेस पर जो टोटल एनर्जी होगी डेट इज हाफ m इंटू यू स्क्वायर माइनस जी m डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू r डिस्टेंस जाने के बाद जो टोटल एनर्जी होगी डेट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस जी m डिवाइडेड बाय 2r. तो यहाँ से सॉल्व करके जो v की वैल्यू आएगी ये आएगी अंडर रूट u स्क्वायर अंडर रूट u स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइडेड बाय r. तो ये v की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है कि रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. इसके लिए हम लोग रॉकेट की वेलोसिटी vx और vy निकाल लें. तो रॉकेट लॉन्च करने के तुरंत पहले और रॉकेट लॉन्च करने के तुरंत बाद हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. तो लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन अगर हम लोग रेडियल डायरेक्शन में लिखें तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो है एम वी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम जो रेडियल डायरेक्शन में जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा 9m डिवाइडेड बाय 10 इनटू vx. तो लेट दिस बी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर ले, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो है और फाइनल मोमेंटम अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय 10 इंटू वी वाई माइनस जो सैटेलाइट का मास है वो है 9m डिवाइडेड बाय 10 इंटू रूट जी एम डिवाइडेड बाय 2r. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं इसको. इक्वेशन नंबर 2 और 3 की हेल्प से हम vx और vy की वैल्यू निकाल लें. एक बार यदि हम लोग vx और vy की वेलोसिटी की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो जो रॉकेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी डेट इज 1/2 टाइम्स मास ऑफ द रॉकेट इज m बाय 10 इनटू वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट का स्क्वायर. तो रॉकेट की वेलोसिटी जो है हम लोग vx और vy निकालने के बाद निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 3 के बराबर होगी. क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं. LCR सर्किट बिहेव्स लाइक अ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कंपेयर इट विद द फिजिकल स्प्रिंग मास डैम्ड ऑसिलेटर हैविंग डैम्पिंग कांस्टेंट B. करेक्ट इक्विवेलेंट वुड बी. तो मान लेते हैं कि एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है और इसके साथ एक कैपेसिटर है और लेट से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये रेजिस्टेंस R, ये L और ये C. तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन लिखेंगे माइनस ऑफ IR माइनस ऑफ Q बाय C माइनस ऑफ LDI बाय DT. तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ये सारा माइनस तो जीरो में चला जाएगा. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं L इंटू DI बाय DT को लिखेंगे डी टू क्यूब डिवाइडेड बाय डी टी टू प्लस आर इंटू आई को लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी और ये जीरो के बराबर है. इसको कंपेयर कर लेते हैं डैम्ड ऑसिलेटर के इक्वेशन से. तो यहां पर लिखेंगे एम इंटू डी टू एक्स डिवाइडेड बाय डी टी टू प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि L जो है वो मास के इक्विवेलेंट है, R जो है वो B के इक्विवेलेंट है और K जो है ये 1/C के इक्विवेलेंट है. K जो है ये 1/C के इक्विवेलेंट है. तो ये आंसर हमारे पास हो जाएगा, सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं. द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज 1.6 × 10⁻¹⁶ सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज
हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो टाइम पीरियड जो टी टू होगा डेट विल बी 8 टाइम्स ऑफ टी। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/8 टाइम्स द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड दे रखा है 1.6 × 10⁻¹⁶। तो 1.6 × 10⁻¹⁶, तो ये सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है 7.8 × 10⁻¹⁴। तो ये पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। द करंट I1 फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो ऐसा करते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो 1 1.5 हो जाएगा और ये 2 के साथ मिलके 2.5 हो जाएगा। तो यहां पर तो एक 2.5 ओम का रजिस्टर है, इसके साथ 2 ओम का एक रजिस्टर है और इसके साथ एक बैटरी है 1 वोल्ट की। लेट्स से इसमें जो करंट है इसको अगर हम लोग आई कहते हैं, तो ये करंट हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि ये जो करंट आई है ये वी बाय आर हो जाएगा। इट इज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.5 ओम। तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.5 ओम। और अगर करंट I1 की बात करें तो ये I1 इज डेफिनेटली I डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1/5 एम्पियर इज 0.2 एम्पियर। तो आंसर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। अ नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 5 × 10⁻¹⁵ अलोंग एक्स एक्सिस एंड 5 × 10⁻⁶ अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज। तो ऐसा करते हैं, हमें पता है कि गामा किसके बराबर होता है। गामा को लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। तो अल्फा एक्स की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻¹⁵ is 5 × 10⁻¹⁵। और अल्फा वाई अल्फा जेड बराबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × 10⁻¹⁶। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 60 × 10⁻¹⁶। तो हमारा आंसर हो गया 60। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो हमारा आंसर जो है वो 60 हो जाएगा। A loop A B C D E F A of straight edges has 6 corner point A B C D E F का coordinate दे रखा है। The magnetic field in the region is 3 I cap plus 4 K cap. The quantity of flux through the loop. बहुत simple है। Let's say ये x axis है, ये y axis है और ये z axis है। तो यहां पर अगर हम लोग इस लूप को ड्रॉ करें, ये लूप कुछ इस तरह का आएगा और इसके ये 6 कॉर्नर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसको हम लोग दो स्क्वायर की तरह देख सकते हैं जिसका साइड लेंथ 5 है। तो अगर हम लोग पहले xy प्लेन की बात करें तो फ्लक्स हो जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो xy प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 4 है, तो डेट इज 4 × ये एरिया हो जाएगा 25, तो दिस इज 100। अगर हम लोग YZ प्लेन की बात करें तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर X एक्सिस है, X एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 है, इनटू ये एरिया जो है ये 25 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 75। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा 175। तो 175, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 175। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक एओसी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए ऑफ हाइट 2 मीटर। आफ्टर रीचिंग सी द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल। व्हेन इट रीचेस इट हाईएस्ट पॉइंट पी हाइट 1 मीटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन जूल इज। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। तो ये 2 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को हमने गिराया और बाद में ये 1 मीटर की हाइट पर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर नीचे आया। तो 1 मीटर के इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी और पार्टिकल को उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिली होगी। तो जो पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिली होगी वो बराबर हो जाएगी एम जी एच के बराबर।
तो मास ऑफ द पार्टिकल इज 1, जी इज 10 और ये नीचे 1 मीटर के इक्विवेलेंट आया है, तो ये 10 जूल इसका आंसर हो जाएगा. सो द आंसर इज 10 जूल. अब क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे हम लोग. अ कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू रिजर्वायर्स ऑफ टेम्परेचर 900 केल्विन एंड 300 केल्विन. द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल्स ऑफ वर्क पर साइकिल. द हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर इन अ साइकिल इज. तो कार्नोट इंजन में इफिशेंसी के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेट इज 1 - T2/T1 और ये बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1 के. तो डेट इज 1 माइनस. T2 इज 300 डिवाइडेड बाय 900. वर्क डन इज 1200 डिवाइडेड बाय Q1. इसको सॉल्व कर लें तो Q1 की वैल्यू 1800 आ जाती है. हमें बताना है कि व्हाट इज द हीट गिवन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर, डेट इज Q2. तो Q2 इज Q1 माइनस W इज 1800 माइनस 1200. तो ये सॉल्व करके 600 जूल आ जाएगा. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं. अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 6.4 × 10⁻⁵ इज कंप्राइज्ड ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर. इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मेटल ऑफ सरफेस 1 square centimeter. इफ 1 × 10³ फोटॉन्स इजेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 second इज 10⁻⁶. ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है. तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है. तो एक फोटोन की जो एनर्जी है डेट इज HC/λ और HC हो जाएगा 1240/λ की वैल्यू 310 है, तो इट इज 4 eV. या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स इजेक्ट हुए होंगे. तो फोटॉन्स की जो टोटल इंटेंसिटी है डेट इज 6.4 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 6.4 × 10⁻¹⁹. तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 10⁻¹⁴. अब आगे बढ़े, हमें बताया गया है कि 1000 फोटॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे डेट इज 10⁻¹⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻³ इज 10⁻¹ⁱ. सो हमारा जो आंसर है, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 25 हो गया और यहाँ हम लोग इस पेपर को कंक्लूड करते हैं.